मैक्स की टर्म बता रही थी कि टाउसी मैक्स क्या है और ये हमें कैसे मतलब हेल्प करेगा डिजाइन करने में. टाउसी टाउ वी क्लियर है सबको कि टाउ सी का क्या मतलब है, टाउ वी का क्या मतलब है. टाउ वी मतलब जो ओवरऑल पूरा शियर जो हमारा बीम के ऊपर एक्ट कर रहा है. टाउ सी मतलब सिर्फ कंक्रीट की बात करें कि कंक्रीट कितना वो शियर को झेल पा रहा है, मतलब कितना शियर के अंदर स्ट्रेंथ शो कर रहा है, वो हमारा क्या है, टाउ सी की वैल्यू है. क्लियर है ये चीज, दो चीजें तो क्लियर है. अब हम बात करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, जो कि क्या है, टाउसी मैक्स से डिनोट करते हैं. रजे इसकी वैल्यू भी हम लोगों को कोड में से मिलती है. कोड में ये वाला टेबल आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है. आप एनएक्स बी में देखना, वहां पर आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कॉन्क्रीट में टाउसी मैक्स का भी टेबल दिखेगा. उसमें क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है, टाउसी हमारा किस पे डिपेंड कर रहा था, परसेंटेज ऑफ स्टील के ऊपर, जो नॉमिनल हमारी परसेंटेज थी जिसमें सिर्फ मेन रीइंफोर्समेंट थी, ठीक है. और किस पे डिपेंड कर रहा था आप लोगों का, कोई बताएगा, परसेंटेज स्टील और किस पे, कॉन्क्रीट के ग्रेड के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर. लेकिन अगर हम बात करें टाउसी मैक्स की, टाउसी मैक्स वो वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू शियर स्ट्रेस की कितनी है, सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट की बात कर रहे हैं अभी. क्या बोल रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट, कि मैक्सिमम कंक्रीट का पर्टिकुलर ग्रेड कितना शियर झेल सकता है, सिर्फ अगर हम सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट की बात करें, नॉट रीइंफोर्समेंट को बीच में, मतलब सिर्फ कंक्रीट की बात करें तो टाउसी मैक्स एम 15 के लिए ये है 1.6, M20 के लिए 1.8, M25 के लिए 1.9, M30 के लिए 2.2, M35 के लिए 2.3. तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज हमें कोड में है, ठीक है. तो हमें क्या करना है, अब इसका रोल क्या है, अगर हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी, मैं बात कर रही हूँ टाउ वी की, अगर हमारा मैक्सिमम नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी एक्सीड्स द शियर स्ट्रेंथ टाउ सी, मतलब कॉन्क्रीट के ऊपर जितना शियर लग रहा है, अगर वो वैल्यू कम है, ओवरऑल हमारा जो बीम के ऊपर शियर लग रहा है वो बढ़ रहा है, लेकिन कंक्रीट अकेले उसको नहीं झेल पा रहा है, तो हम लोग उसमें क्या प्रोवाइड करेंगे, कौन सी रीएनफोर्समेंट हमें चाहिए, शियर रीएनफोर्समेंट चाहिए. पहली कंडीशन क्लियर है, प्लीज बता दीजिए क्लियर है कि नहीं है. यस मैम. बाकी भी? यस मैम. कहने का मतलब क्या है कि बीम के ऊपर जो ओवरऑल शियर जो लग रही है, ठीक है, देखो बीम के अंदर हमारा क्या है, अगर हम बात करें, अगर हमने कंप्रेशन जोन में भी मिनिमम जितनी रीइंफोर्समेंट चाहिए वो प्रोवाइड कर रखी है, टेंशन जोन में भी मान लो प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, हमने डबली रीइंफोर्स बीम अगर डिजाइन करी हुई है, ठीक है. कहने का मतलब क्या है कि अगर इसके ऊपर लोडिंग लग रही है, ठीक है, यूडीएल लग रहा है, शियर की वजह से इसमें क्या हो रहा है, लोड इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि मतलब हमारे यहाँ पे क्रैक आ रहे हैं, तो मतलब मिनिमम रीइंफोर्समेंट से काम नहीं चल रहा है, जो नॉमिनल रीइंफोर्समेंट उससे काम नहीं चल रहा है, तो इट मीन्स क्रैक ना आए हम लोगों को, इट मीन्स अगर ये वाली वैल्यू टाउ वी है, ठीक है, मतलब टाउ वी की वैल्यू बढ़ रही है, अकेला कंक्रीट जो है या मिनिमम रीइंफोर्समेंट जितना सरिया मिनिमम दिया हुआ है वो नहीं झेल पा रहा है, तो इट मींस टाउ सी वाली वैल्यू, मतलब जो कि किस पे डिपेंडेंट थी, परसेंटेज ऑफ स्टील पे, और किस पे डिपेंडेंट थी, कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर. टेबल देखा था ना, दोबारा टेबल दिखा देते हैं आपको. टाउ सी की वैल्यू इस टेबल से आ रही थी, ठीक है, तो ये किस किस पे डिपेंडेंट है, कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर और परसेंटेज ऑफ स्टील के ऊपर. ये चीज क्लियर है ना, तो यही बोल रही हूँ कि अगर टाउसी की वैल्यू जो है हमारी बढ़ रही है, मतलब क्रैक आ रहा है, मतलब सॉरी टाउसी की वैल्यू कम है टाउ वी से, मतलब ओवरऑल क्रैक्स वगैरह ज्यादा आ रहे हैं, नॉमिनल शियर बढ़ रहा है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, अब हमें किसके लिए डिजाइन करना है, शियर रीइंफोर्समेंट के लिए हम लोगों को इसको क्या करना है, डिजाइन करना रहेगा. तो इट मीन मतलब क्या है कि हमारा टाउ बी की जो वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है टाउ सी से, तो हम लोगों को क्या डिजाइन करने रहेंगे, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट तो प्रोवाइड करनी रहेगी, मतलब वर्टिकल स्टिरअप्स मिनिमम हम लोगों को क्या करने रहेंगे, प्रोवाइड करने रहेंगे. यहां तक क्लियर है क्या समझाना चाह रही हूं? यस मैम. तो अगर बात करें फर्स्ट कंडीशन की, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर हमारा टाउ वी एक्सीड कर जाता है टाउ सी से, ठीक है, तो हम लोगों को क्या प्रोवाइड करनी है, शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, मतलब हमारा जो बीम के ऊपर ओवरऑल शियर लग रही है वो काफी ज्यादा है,
अकेला कंक्रीट उसको नहीं बियर कर पा रहा है, टाउ वी ज्यादा है टाउ सी से, तो हम लोगों को क्या प्रोवाइड करनी है, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। क्यों प्रोवाइड करनी है? ताकि उसमें क्रैक ना आ पाए जो कि साइडों पे, जो कि शियर की वजह से क्रैक आ रहे थे, जो हमने फर्स्ट क्लास में इसमें डिस्कस किया था, ठीक है, जैसे कॉर्नर पे आ रहे थे, बेंडिंग में नीचे क्रैक आ रहा था, तो वो क्रैक ना आ पाए जो कि शियर की वजह से है, ठीक है। तो हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे? शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, बट टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट इन द वेब ऑफ अ मेंबर, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट शैल नॉट एक्सीड टाउ सी मैक्स। वो कह रहे हैं फर्दर क्रैक वगैरह हमारे ना आए, कंक्रीट के जो वेब बना है उसमें ना आए, ठीक है। तो हमारी एक और कंडीशन क्या कहता है कि जो मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है कंक्रीट की, ठीक है, जो सिर्फ कंक्रीट की, मतलब जो टाउसी है, ठीक है, जो क्रीज नहीं करना चाहिए किससे, टाउसी मैक्स से, क्लियर है ये चीज। मतलब टाउसी और टाउसी मैक्स में भी हमारा टाउसी शैल नॉट बी ग्रेटर देन टाउसी मैक्स, ये वाली कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए। और अगर ये वाली कंडीशन होती है, टाउ भी ज्यादा आता है, तो हम लोगों को क्या प्रोवाइड करना होता है, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट। अब अगर बात करें, क्या कह रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस एक्सीड्स द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अगर ये वाला कंडीशन आ जाती है कि टाउ भी हमारा बढ़ जाता है टाउ सी मैक्स से, तीन वैल्यूज है ना, टाउ सी, टाउ वी, टाउ सी मैक्स, अगर ये वाली कंडीशन तो होनी ही नहीं चाहिए कि टाउ सी हमारा बढ़ जाए टाउ सी मैक्स से, ये होना ही नहीं चाहिए। सिमिलरली टाउ वी भी हमारा टाउ सी मैक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें बीम का सेक्शन दोबारा डिजाइन करना रहेगा, क्लियर है ये चीज। ये तीन कंडीशन, पहली, दूसरी और ये तीसरी, क्लियर है ये तीन कंडीशन। अगर ये भी होती है कंडीशन कि हमारी टाउ वी की वैल्यू ज्यादा आती है टाउ सी मैक्स से, हमें क्या करना रहेगा, सेक्शन को दोबारा रीडिजाइन करना रहेगा ताकि टाउ वी की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए किससे, टाउ सी से, क्योंकि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है कि नॉमिनल शियर इतना ज्यादा हो जाए कि कंक्रीट की जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, ये वाली जो टाउ सी मैक्स है, ठीक है, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है कंक्रीट के अंदर जो वो बियर कर पा रहा है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में अगर ये हो जाता, अगर वैल्यू ज्यादा आ रही, तो इट मीन्स जो हमने बीम डिजाइन करी है वही गलत है, तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, उसको रीडिजाइन करेंगे, उसका बी चेंज करोगे या इधर डी चेंज करोगे, ठीक है, बी और डी चेंज होगा तो ए एस टी की वैल्यू भी चेंज करोगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि हमारा जो टाउ वी है वो इट शुड बी लेस देन, तो हम बी और डी को बढ़ा देते हैं, बी की वैल्यू भी बढ़ा दोगे, डी की वैल्यू भी बढ़ा दोगे। टाउ वी का फॉर्मूला क्या है, वी बाय बी डी, अगर बी डी बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली टाउ वी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मतलब अगर टाउ वी हमें घटाना है तो बी और डी को बढ़ा दो ना, तो टाउ वी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये केस आता है कि टाउ वी हमारा ज्यादा है टाउ सी मैक्स से, तो हम बीम को क्या करते हैं, दोबारा रीडिजाइन करते हैं। तीन कंडीशन क्लियर है, कौन कौन सी तीन कंडीशन है? यस मैम, बोलिए, किसी को इसमें तीन कंडीशंस में कोई डाउट हो, टाउ वी, टाउ सी मैक्स से और टाउ सी से, क्योंकि इसी पे ही हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसलिए पूछ रही हूँ। पहली कंडीशन, टाउ वी अगर हमारा ज्यादा है टाउ सी से, टाउ वी क्या होता है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, मतलब जो बीम के ऊपर पूरा शियर स्ट्रेस लग रहा है, जो कि हम वी बाय बी डी से कैलकुलेट करते हैं। अगर ये ज्यादा होता है टाउ सी से, टाउ सी हमारा कहाँ से आता है, जो अभी टेबल आप लोगों को दिखाया था, कोड में था, एनएक्स बी के अंदर, याद रखना, मैंने कल दिखाया है आप लोगों को, ये एनएक्स बी के अंदर है ये वाला टेबल, ठीक है। अगर ये ज्यादा होता है तो हमें कौन सी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी होती है, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट। अभी आगे डिस्कस करेंगे कि मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट कितनी है, क्या है, वो डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी तुम इस चीज को समझो, कंडीशंस को। अगर हम, कोड क्या कहता है कि अगर हमारा टाउ सी ज्यादा है टाउ सी मैक्स से, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें भी क्रैक आएंगे, तो हमें क्या चाहिए कि टाउ सी शुड बी लेस देन टाउ सी मैक्स, ठीक है, वो होना ही नहीं चाहिए उससे ज्यादा। थर्ड कंडीशन क्या है, ये वाली, कि अगर टाउ वी तुम्हारा ग्रेटर आता है टाउ सी मैक्स से, तो तुम्हें नीचे क्वेश्चन में क्या लिखना है, जो सेक्शन इज टू बी रीडिजाइन,
सो दैट टाउ वी बिकम्स लेस देन टाउ सी मैक्स. तो आप बी और डी की वैल्यू बढ़ा देते हो ताकि सेक्शन जो है हमारा बड़ा हो जाए और टाउ वी हमारा क्या हो जाए, घट जाए. ठीक है, मतलब प्रॉपरली बियर कर पाए. क्लियर है ये चीज? तो इन शॉर्ट टाउ वी शुड बी लेस देन टाउ सी मैक्स. ये तीन कंडीशंस हैं जो हमें फॉलो अप करनी होती है. ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ूं? यस मैम. नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट की, जिसमें हमारा क्या आएगा, नॉमिनल शेयर रिइंफोर्समेंट. मतलब कम, मतलब हमें जो लगभग हमें प्रोवाइड करनी ही है ताकि हमारी बीम के अंदर क्रैक ना आए और हमारी बीम क्या हो, सेफ हो. ठीक है, तो कम से कम कितना सरिया होना चाहिए शेयर के लिए जो शेयर को प्रिवेंट कर सके. ठीक है, क्या कह रहा है, व्हेन द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ वी, अगर जब क्या कह रहा है टाउ वी जब हमारा लेस देन टाउ सी होता है, ठीक है, तो हमें नॉमिनल शेयर स्ट्रेस प्रोवाइड करनी ही करनी है. ठीक है, तो इसमें क्या है, मिनिमम सरिया प्रोवाइड करना ही करना है. लेकिन अगर टाउ वी हमारा बढ़ जाता है टाउ सी से ग्रेटर आता है, तो हम प्रॉपर क्या करते हैं, प्रॉपर शियर डिजाइन करते हैं. क्या करते हैं, प्रॉपर शियर डिजाइन. ठीक है, अब जो चीज समझा रही हूँ एक चीज ये ध्यान से सुन लेना कि आप लोगों के सिलेबस में कितना है क्या है. ठीक है, अगर हमारा टाउ वी लेस देन टाउ सी है तो हम लोग क्या प्रोवाइड कर देते हैं, नॉमिनल शियर. ठीक है, नॉमिनल शियर मतलब मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट, कम से कम. ठीक है, हम कितनी प्रोवाइड कर देते हैं, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट, मतलब जो सेफ रहे ही रहे. लेकिन अगर टाउ वी हमारा बढ़ जाता है टाउ सी से, ठीक है, तो हम प्रॉपर शियर डिजाइन करेंगे. प्रॉपर शियर डिजाइन का मतलब क्या है, कि मतलब हमने एंकर बार भी प्रोवाइड किए, हमने मेन रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करी, हम प्रॉपर यहाँ पे वर्टिकल स्टिरअप्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, प्रॉपर यहाँ पे वर्टिकल स्टिरअप्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रॉपर यहाँ पे हम लोगों ने इंक्लाइंड बार्स भी प्रोवाइड किए हैं. ठीक है, तो ये कौन से केस में, प्रॉपर स्पेसिंग वगैरह सब कुछ करेंगे इसके लिए, इंक्लाइंड बार के लिए, वर्टिकल स्टिरअप के लिए. कौन से केस में, अगर हमारा टाउ वी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है टाउ सी से, मतलब अकेला कंक्रीट शियर को नहीं झेल पा रहा है प्रॉपरली और जो नॉमिनल हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी कहां पे, मतलब टेंशन को बियर करने के लिए जो प्रॉपर रीइंफोर्समेंट दी उससे काम नहीं चला, तो इसलिए हम लोगों को क्या प्रोवाइड करने रहे कि शियर रीइंफोर्समेंट, मतलब वर्टिकल स्टिरअप्स और इंक्लाइंड बार्स, बेंट अप बार्स हम लोगों को क्या करने रहे, प्रॉपरली प्रोवाइड करने रहे. क्योंकि अकेला कंक्रीट और जस्ट सिर्फ ये वाला टेंशन वाला सरिया और ऊपर कंप्रेशन वाला सरिया अकेला नहीं झेल पा रहा था, क्रैक फिर भी आ रहे थे. ठीक है, मतलब टाउ भी बढ़ गया, तो उस केस में हम लोग क्या कर देते हैं, इस तरह के वर्टिकल बार्स प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर डिजाइन करते हैं कि कितने चाहिए कि हमारा क्रैक ना आ पाए. लेकिन अगर टाउ भी लेस देन टाउ सी है, हम चाहते हैं कि शियर में हमारा क्रैक आए ही ना, हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेफ रहे, क्रैक आए ना, तो हम कम से कम नॉमिनल, कम से कम स्पेसिंग पे, मतलब जितना कम से कम सरिया जितना चाहिए कि सेफ रहे, उतना तो हम वर्टिकल स्टिरअप तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, चाहे हम इंक्लाइंड ना प्रोवाइड करें, लेकिन वर्टिकल तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे ताकि सेफ रहे. ये दो कंडीशंस क्लियर है? बोलिए हाँ कि ना, बोलो बाबा. और अगर हम लोग टाउ वी की बात करें कि टाउ वी भी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स है, तो रीडिजाइन होगा. क्लियर है ये चीज? यस मैम. ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हम नॉमिनल शेयर की बात करें कि नॉमिनल शेयर कहां से आएगी वैल्यू हमारे पास, कितनी चाहिए, कितने स्पेसिंग पे बार होने चाहिए हमारे पास. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि और ये अब इसको स्टडी करते हैं. जब हमारा नॉमिनल शेयर टाउ वी जो है लेस देन या फिर टाउ सी के बराबर है, टाउ वी या फिर लेस देन और इक्वल टू टाउ सी है, ठीक है, तो उस केस में थ्योरेटिकली उस केस में क्या बोल रहा है, देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड शियर रीइंफोर्समेंट. कोई जरूरत नहीं होती है शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने की इन एक्चुअल.
ठीक है, एक्चुअल में कब प्रोवाइड करने की जरूरत होती है, कि जब हमारा टाउ वी ग्रेटर देन होता है टाउ सी से, तब हमें एक्चुअल में प्रोवाइड करना यहाँ पे। लेकिन अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि बट इन केस मिनिमम शेयर रीएनफोर्समेंट, कम से कम शेयर रीएनफोर्समेंट जो चाहिए वो तो हम प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉमिनल शेयर रीएनफोर्समेंट बोलते हैं, जो कम से कम शेयर चाहिए ताकि क्रैक ना आ पाए। किस कंडीशन में, व्हेन टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, उस केस में हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्टिरअप्स, उस केस में वो हमारी कौन सी शेयर रीएनफोर्समेंट होती है, नॉमिनल शेयर रीएनफोर्समेंट। तो अगर तुमसे डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट इज नॉमिनल शेयर रीएनफोर्समेंट, आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे करोगे, कि व्हेन टाउ वी, हम अगर हमारा लेस देन टाउ सी है, ठीक है, जब ये वाली कंडीशन होती है तो उस केस में हम चाहते हैं हमारा डिजाइन सेफ रहे, क्रैक्स ना आए, हम तो मिनिमम सरिया प्रोवाइड करेंगे, मिनिमम शेयर रीएनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, और उसी मिनिमम शेयर रीएनफोर्समेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉमिनल शेयर रीएनफोर्समेंट। और वो किसकी फॉर्म में होती है, वर्टिकल स्टिरअप की फॉर्म में होती है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलिए अब ये डिस्कस करते हैं कि अब ये मतलब इसको क्राइटेरिया आया कहाँ से, कहाँ से हम लोगों को ये क्राइटेरिया पिक करना है नॉमिनल शेयर का। ठीक है, IS 456 में आप लोगों की ये कंडीशन है नॉमिनल शेयर की, मैं भी आपको दिखाती हूँ, कोर्ट में दिखाती हूँ। ठीक है, रुको, ये कंडीशन देख लो, ASV। ठीक है, ये क्या है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टिरअप लेग। ठीक है, जो मतलब ये जो आप स्टिरअप के जो बार्स जितने भी यहाँ पे यूज करोगे ना, ये वर्टिकल स्टिरअप्स जो यूज करोगे यहाँ पे आपकी मेन रीइंफोर्समेंट, तो जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्टिरअप लेग्स का, ठीक है, जो कि शियर को झेल रहे हैं उन बार्स का जो एरिया है वो वाला, उसको डिवाइड कर दो विड्थ से, मतलब किसकी, बीम की विड्थ से। ठीक है, या अगर बीम, अगर बीम के लिए डिजाइन करो तो बीम की विड्थ होगी, या फिर वेब की होगी, तो ये बीम की विड्थ हो गई। SV हमारा क्या है रजे, स्पेसिंग है स्टिरअप्स अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर, मतलब अगर एक ये वर्टिकल बार है एक ये वर्टिकल बार है तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज SV, वो हमारी स्पेसिंग है। क्लियर है? विड्थ की अगर बात करो तो इसको सेक्शन में देखोगे तो दिस इज योर विड्थ, ये आपकी क्या है, विड्थ। ठीक है, FY हमारा क्या हुआ है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना, FY आपको अगर 415 है बच्चे तो आपको यहाँ पे इस केस में, एक मिनट रुको, इस केस में याद रखना कि आपका मतलब जो स्टिरअप्स होते हैं ना बेसिकली, उस केस में जो स्टिरअप्स की वैल्यू होती है हम 415 से ज्यादा नहीं लेते हैं, मतलब हमारे पास ग्रेड 500 भी है ना, हम HYSD बार्स नहीं लेंगे। जब हम स्टिरअप्स की बात करते हैं, स्टिरअप्स में हमारा जो मैक्सिमम ग्रेड जो होता है 415 ही लेकर चलते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेकर चलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अच्छी स्ट्रेंथ नहीं देता है, मतलब इतना इलास्टिसिटी नहीं शो करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बार्स होते हैं ना 500 वाले, वो इतना स्ट्रॉन्ग मतलब इलास्टिसिटी नहीं शो करते हैं, हमें वो चाहिए जो प्रॉपर इलास्टिसिटी शो करे, क्रैक्स को प्रिवेंट करे, मतलब उसको बियर कर पाए। ये वाला क्राइटेरिया कहाँ से आया हमारे पास, NX नहीं, ये वाला 26 समथिंग कुछ पॉइंट में है, लेट मी चेक, मैम कोड्स का पूछा था आपने? नहीं बच्चे, अभी मैं शीशपाल सर से ही कंफर्म कराती हूँ, मेरे को जाना भी, बीच में उनका फोन भी आ रहा था, तो आई लास्ट के, बिना कोड्स के तो तुम्हारा काम ही नहीं चलेगा, कोड्स तो चाहिए रहेंगे, उसके बिना नहीं काम चलेगा, यू नीड कोड्स, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको कोड्स में से चाहिए, टेबल्स हो गए, मैकेनिकल्स आएंगे, तो यू नीड कोड्स विद यू। हेलो, मैंने आपको कोड्स कल वैसे दिखा दिए थे बच्चे, ये रहा NX B में पेज नंबर 85, NX B, यहाँ से आपको मिल जाएगी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू, दैट इज टाउसी मैक्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज, ये वैल्यू कहाँ से आई थी, टाउसी मैक्स टेबल, क्लियर है, जो मैं आपको वहां पे दिखा रही थी बुक में से। यस मैम। ठीक है,
अपने हिंट्स बना लेना ना कि कहाँ कहाँ पे क्या है. और यही जो conditions मैंने आपको explain करी ना वो ये for slabs tau v shall not exceed, ये slab का case है, slab का तो छोड़ो भी आप, ठीक है. minimum shear reinforcement tau v कितनी होनी चाहिए, less than tau c होना चाहिए. यही अभी आपको बताया था कि minimum कितना चाहिए, tau v should be less than tau c, ठीक है. minimum shear reinforcement shall be provided in accordance with 26.5.16. ये जो स्पेसिंग वाला क्राइटेरिया मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कहाँ पे है, 26.5.1.6 पे, ठीक है, जो स्पेसिंग वाला है. दिखा ये वाला क्लॉज, मिनिमम शेयर इनफोर्समेंट आपको किस तरह से प्रोवाइड करनी है, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, कि जो आपकी एएसवी है क्या है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टिरअप लेग्स इफेक्टिव इन शेयर, जितना भी आप सरिया शेयर में प्रोवाइड कर रहे हैं उसका इफेक्टिव एरिया, डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द बीम, और एसवी क्या है, स्पेसिंग है स्टिरअप्स की, ठीक है. और ये कितना होना चाहिए, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.87 एफवाई, क्लियर है. और यहाँ पे लिखा हुआ है characteristic strength of stirrup reinforcement in newton which shall not be greater than 415 newton per mm square. Is it clear? Yes ma'am. ठीक है, तो ये clause आपका codes में है कि shear reinforcement में spacing कितनी होनी चाहिए. Let me go back to एक और चीज यहीं पे, अभी पहले एनेक्स में ही दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद थ्योरी में भी दिखा दूँ. जो डिजाइन ऑफ शेयर स्टिरअप्स है ना, अभी ये जो फॉर्मूला यूज होंगे, देखो ये स्पेशल शेयर रीइंफोर्समेंट, वैसे आपके सिलेबस में विदाउट शेयर रीइंफोर्समेंट वाला केस है, सिर्फ और सिर्फ वो केस जहां पे आपको नॉमिनल सरिया डालना है, मतलब जब ये वाला केस है आपके सिलेबस में, जब आपका टाउ वी जो है लेस देन टाउ सी एंड लेस देन टाउ सी मैक्स, ये वाला केस है आपके सिलेबस में. आप अपना सिलेबस चेक करोगे ना, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है शेयर रीइंफोर्समेंट, शेयर वाला जो चैप्टर आप लोगों का लिखा हो विदाउट शेयर रीइंफोर्समेंट, तो मतलब आपको शेयर रीइंफोर्समेंट का डिजाइन है ही नहीं. लेकिन फिर भी अगर इन केस कई बार पेपर में पूछा जाता है, कई बार आउटर सिलेबस अगर पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है डिजाइन ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट में जो क्राइटेरिया है B5.4 में है. ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है कि नॉमिनल शेयर, नॉमिनल सरिया डालना है हम लोगों को, और वो किसके बेसिस पे है, इस क्लॉज के बेस पे, वो स्पेसिंग का मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, फॉर्मूला. अब अगर केस उल्टा पड़ जाता है कि टाउ वी हमारा बढ़ जाता है टाउ सी से, तो आप क्या लिखोगे, वैसे आपके सिलेबस में अगर ये केस आता है तो आपको सिंपली लिखना है वी हैव टू डिजाइन शेयर रीइंफोर्समेंट फॉर दिस केस. इससे ज्यादा तुमसे नहीं पूछेंगे. बट अगर कभी पूछ लिया जाता है, अभी अभी थ्योरी में भी समझाऊंगी कैसे, अगर ये केस आ जाता है, उस केस में हम लोगों को स्पेशली वर्टिकल स्टिरअप्स डिजाइन करने रहेंगे, मतलब कितने डाया का निकालना रहेगा, कितने सरिया निकल रहा है, ठीक है, बेंट अप बार अगर प्रोवाइड कर रहे हो, इंक्लाइंड स्टिरअप्स प्रोवाइड कर रहे हो, आपको उनका स्पेसिफाई करना रहेगा, ठीक है. और उसकी स्पेसिंग का फॉर्मूला यहां से आता है, इसको एस वी को इधर ले जाना, ये वी एस मैं अभी बताऊंगी कैसे, यहाँ पे ये वी एस इधर आएगी वैल्यू, तो आप स्पेशली स्पेसिंग निकालते हो, ठीक है. वो स्पेसिंग कैसे, मतलब कौन सी स्पेसिंग, कि इनके बीच में अगर ये वर्टिकल स्टिरअप्स है बीम के अंदर, इधर एक वर्टिकल स्टिरअप, एक इधर वर्टिकल स्टिरअप, इधर वर्टिकल स्टिरअप, तो आप इनकी स्पेसिंग निकालोगे, वो ये फॉर्मूला कोड में गिवन है, इधर ये वर्टिकल स्टिरअप की स्पेसिंग का फॉर्मूला है, ठीक है. सिमिलरली अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये वाला फॉर्मूला,
सिमिलरली अगर मैं आपको ये वाला फॉर्मूला दिखाऊं, इधर ये इंक्लाइंड स्टिरअप का फॉर्मूला है कोड में, ठीक है। अगर आपको इंक्लाइंड स्टिरअप के लिए स्पेसिंग डिसाइड करनी है या फिर उसका ये शियर वीएस निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला इंक्लाइंड स्टिरअप के लिए, जो कि बहुत रेयरली यूज होता है। हम सिंगल बार्स को ही आगे बेंट अप बार प्रोवाइड कर देते हैं, इंक्लाइंड अलग से लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि बेंडिंग जो हमारी होती है वो बीच में हो रखी होती है मैक्सिमम, तो हमें साइडों पे तो बेंडिंग हो ही नहीं रही, हमारी तो ऊपर हो रही है, यहाँ पे टेंशन की वजह से इफेक्ट आ रहा है। तो हम यही वाले जो मेन रीइंफोर्समेंट इनको ऊपर से बेंड करते हो, बेंट अप बार लगा देते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होता है बेंट अप बार के लिए। और ऊपर वाला ये वाला फॉर्मूला कहां पे यूज होगा? वर्टिकल स्टिरअप के लिए। याद रखना ही कहां पे है कोड में, ठीक है? क्लियर है ये चीज? अभी मैं दोनों केस समझाऊंगी ताकि अगर इन केस आ भी जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कोड से क्या लिखना है, कहां से वैल्यूज पुट करनी है, इसीलिए बताया मैंने। वैसे बहुत रेयर चांसेस हैं कि ये वाला केस आपका आए, ठीक है? आपको केस यही वाला आएगा जिसमें टाउ वी जो है हमारा लेस देन टाउ सी है, तो उसमें सिर्फ नॉमिनल सरिया डालना है। अगर टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी वाला केस आ जाता है तो ये वाले स्टेप से डिजाइन होगा। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, वैसे लेक्चर ओवर होने वाला है, एक मिनट कुछ का बचा है, अगर दोबारा आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो बता देना। तो ये वाला मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट का क्लॉज क्लियर है कि ये वाली वैल्यू कहां से आ रही है कोड में, और ये कब केस प्रोवाइड करना है? जब हमारा टाउ वी लेस देन या फिर इक्वल टू टाउ सी है, तो कम से कम सरिया तो डालना ही डालना है। कौन सा वाला सरिया? शियर रीइंफोर्समेंट, मतलब मेन बार्स और कंप्रेशन बार्स तो है ही है, तो हमें उनको यहां से वर्टिकल स्टिरअप से टाई अप करना ही रहेगा ताकि हमारे स्ट्रक्चर में साइड वाले ये जो क्रैक आते हैं या फिर इधर से ये जो बीच में वर्टिकल क्रैक आते हैं शियर की वजह से, ये ना आए। क्लियर है ये चीज? आगे बताऊं? यस मैम। अब मैक्सिमम स्पेसिंग की अगर बात करें कि स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, तो हमारे पास ये दो गाइडलाइंस है, ये तो हम बीम में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है? दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ, उस टाइम पे भी मैंने कोर्स में दिखा दिया था कि ये कहाँ पे लिखा है। 0.75D या फिर 300, इन दोनों में से लीस्ट वैल्यू, और अभी एक और स्पेसिंग वाले जो फॉर्मूला दिखाया है उसको भी कंसीडर करना है, ठीक है? इन तीनों में से जो भी लीस्ट वैल्यू होगी हमें उसको पिक करना है, 0.75